फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन चैनल। मैं आपकी फ्रेंड लक्ष्मी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिन्होंने किया उनको थैंक यू, और अगर आपने नहीं किया तो आप भी कर लीजिए, ताकि मैं भी आपको एक बार और फिर से थैंक यू बोल सकूं। और अगर आपको नए नोटिफिकेशन चाहिए, उसके लिए बेल आइकॉन दबाना होगा, तो प्लीज़ इसे दबाएँ। और आज मैं आपको एक बहुत हेल्दी जो भाजी है उसका मैं बताऊँगी। ये मैंने हमारे यहाँ पर तो मैंने कम देखी है। अभी हम छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं, तो वहाँ पर ये बहुत अच्छी चलती है और बहुत टेस्टी, इसलिए मैं वहाँ से लेकर आई हूँ। और फिर मैंने सोचा खास इसकी रेसिपी बना के हम आपको बताएं। तो चलिए हम ये बनाएं। उसके पहले आपको बता देते हैं कि बहुत सिंपल है और बहुत अच्छा ब्लड बनता है, बहुत बढ़िया चीज़ है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे शेयर, लाइक, कमेंट कीजिएगा। अब चलिए हम फटाफट से बना लेते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें भी नहीं लगेंगी, सिंपल है। ये चौलाई की भाजी है, इसे आप काट लीजिए और फिर धो लीजिए। मैंने तो इसे अच्छे से छान लिया है। और यहाँ पर है प्याज और इस तरह से कटे हुए लहसुन और थोड़े से टमाटर। अब यहाँ पर हम डालेंगे इसमें जीरा, और यह है हरी मिर्च जिसे मैंने सिर्फ चीरा लगाया हुआ है, पूरी रेखी है। और उसको बस आप चाहें तो बहुत ज़्यादा लंबी हो तो बीच में से कट कर दें। अब इन सब चीज़ों को हम डाल देते हैं अपनी कढ़ाई में। ये देखिए, जीरा, लहसुन, प्याज और अब ये गई इसमें हरी मिर्च। बड़ी जल्दी बनती है, इसे ज़रूर खाएं दोस्तों। अगर आप छत्तीसगढ़ वाले हैं तो प्लीज़ इसे ज़रूर 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 खाएं। और भी जहाँ भी अगर मिलती है, इसे चौले ही कहते हैं। और कभी कभी तो ऐसे ही सिंपल किसी किसी के घर में जो बाड़ी वगैरह होती है ना, उसमें अपने आप ही उगाती हैं। अगर आपने छत्तीसगढ़ में तो मैंने बहुत देखा, उसमें वहाँ पर जो आपका भाजी है इसके बहुत वैरायटी मिलते हैं, इतनी बढ़िया, आप एकदम आश्चर्य हो जाएंगे, जो दूसरी जगह आपको बिल्कुल खाने नहीं मिलेगी। हम इसमें डाल देते हैं अपने सूखे मसाले। सूखे मसाले में हम डाल देंगे इसमें हल्दी, धनिया पाउडर और थोड़ा मिर्ची पाउडर। अब ये प्याज आधा हो चुका है, तो हम इसमें डाल देते हैं एक टमाटर। अब हमें इसमें ऐड करना होगा अपनी भाजी। इसमें आलू बिल्कुल नहीं डलता है, बहुत अजीब लगेगा अगर आप आलू डालेंगे तो। आप चाहें तो बना के ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद हमें इसे, ये भाजी डालने के बाद हमें इसे ढक कर रख देना है। ये देखिए, नीचे टमाटर है, इसको नीचे ही रहने दीजिए। इसे ढक देंगे तो ये पक जाता है। चलिए मैं इसे देख लेती हूँ खोल के। ये देखिए, एकदम पिचक जाती है और ये इसे कम हो जाती है। अब बस इसका थोड़ा हमें थोड़ा सा पानी सुखाना है। अब हम इसे अच्छे से चला लेते हैं, और पिचकने के बाद तब आप इसमें नमक डालिए, क्योंकि जब भाजी ज़्यादा रहती है और आप तब डाल देंगी तो नमक ज़्यादा हो जाएगा। अब हमें इसका बस थोड़ा सा जो पानी है इसके सुखाने तक ही पकाना है। अब हमें इसे ढाँकेंगे नहीं। बस ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पानी बस इसका सूखना चाहिए और फिर ये तैयार है। इसे आप चावल के साथ खाएंगे, या फिर सिर्फ चावल या दाल चावल, बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में। मुझे बहुत पसंद आई थी, इसलिए मैं इसे ले कर आई हूँ। एक दो सब्ज़ी और लाई हूँ जो वहाँ मिलती है, मैं इसे ज़रूर अब एक कल परसों मैं आपको रेसिपी डालूँगी। चलिए अब हम इसे बस थोड़ा सा सुखा लेते हैं। अब हमें फ्लेम हाई कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये पूरा पानी इसने सोख लिया है, तो अब ये भाजी बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, ये ऐसी ग्रीन ही दिखती है, रेड वगैरह कोई भी कलर नहीं आएगा, आप मसाला भी नहीं डाल रहे हैं ज़्यादा, तो ये एकदम हरा हरा दिखता है और बहुत अच्छा लगता है खाने में। बहुत ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है। ऐसा ज़रूर बनाएं दोस्तों, पसंद आए तो प्लीज़ मुझे बताएं। छत्तीसगढ़ वालों को नमस्कार। थैंक यू दोस्तों, जय श्री हरी।